बहुत ही ज्यादा वफादार थे। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। प्रजा अपने राजा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी। नागा मासा की जय हो। इस साम्राज्य के सिंहासन के दुख भरे दावे ने जापानी वंश के एक लड़के रियो को एक अनाथ के रूप में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर दिया। फ्रांस के लिए राजा नारायण और राजदूत के जहाज अब तक बटाविया बंदरगाह से निकल चुके हैं। वे कम से कम 2 साल में लौट आएंगे। इस बीच अपने वर्चस्व को कायम करते हुए अयोध्या में सभी विदेशी स्थिति को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। उसे किसी भी तरह की आग भड़काने से रोकने के लिए तुरंत किसी समाधान की तलाश करनी चाहिए। उनकी सरकार को कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो फ्रांस से गठबंधन कर रहे हैं। लोग राजा के लक्ष्य पर सवाल उठा रहे हैं। भगवान ही जाने उसके सर पर क्या सवार है। समझ में नहीं आ रहा है कि भरोसा किस पे करूं मैं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। अयोध्या शहर में इस समय बवाल मचा हुआ है। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। इस बीच अपने वर्चस्व को कायम करते हुए अयोध्या में सभी विदेशी स्थिति को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। मैं अपनी मां का पता लगाना चाहता हूं। आप इतने जरूरी काम के लिए मुझे इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं। कृपया करके मुझे जाने दीजिए। पता नहीं वो जिंदा हैं भी या नहीं। हे रियो, जब तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तुम्हें रोकना बेकार ही है। अभी या बाद में तुम वैसे भी भाग ही जाओगे, है ना रियो।
ये तुम्हारी पहली यात्रा है, तुमको कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे लो। ये टोंग तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें हर तरह की मुश्किल से बचाएगा। मुझे पता है कि गुरुजी से झूठ बोलना गलत है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मुझे उनकी याद आती है और रात को मैं ढंग से सो भी नहीं पाता हूँ। अबे भूतनी के, ये प्यार तेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है। पता है तुझे, तुझे अपनी माँ को ढूंढने की बिल्कुल नहीं पड़ी। तू गुरुजी से झूठ बोल सकता है पर मुझसे नहीं, समझा? क्यों है, बोला? उस पे भड़कना बंद करो। कुछ दिनों से मेरा ध्यान भंग हुआ है और तुम सही कह रहे हो, ये सब मैं मां के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए कर रहा हूं। हे रियो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? क्या तू उसके पीछे वाकई दीवाना हो रहा है या फिर वो लड़की भी तेरे पीछे दीवानी है? हाँ बता। हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जो भी हो, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो यहीं रहो, समझे ना? एक बात पक्की है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मुंह बंद रखना होगा, समझे ना? बड़ा आया। बकवास बंद करो। गुरुजी ने कहा है मैं तेरे साथ जाऊं, क्योंकि कोई परेशानी हुई तो तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, समझा? धिक्कार है रियो, जो तू इस हद तक प्यार में पड़ा। पता नहीं तूने प्यार को आखिर समझ क्या रखा है। तो क्या तुमने सोचा है कि हम नाव को कहां पर रोकने वाले हैं? जहां भी मेरी नियति बुलाएगी उसी किनारे पे नाव लगा दूंगा। बकवास, जहां प्यार है वहां दुख भी होता है, समझे? चुप हो जाओ। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता पर कहे बिना रहूंगा भी नहीं। पता है तुम्हारा दिमाग कैसा हो गया है? बंदरों जैसा। वो कैसे? बंदर हमेशा फुदकता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता, और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल वैसा ही है। चुप हो जाओ, समझे? अरे देखना, ये मंत्र दिया गया किसी ताबीज से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा ऐसा क्या? मुझे गॉडली मंकी टैटू मिला है। मतलब काटने वाला बंदर? ए, इसका मजाक मत उड़ा, अच्छा नहीं होता। चलो उसे भी दिखाते हैं। रिंग फ्रुंग फट फट। अब ये क्या हो रहा है इसे? बस। अरे अरे इसे क्या हो रहा है, इसे क्या हो रहा है? आइए आइए, आपका स्वागत है। मैंने आपके लिए अंदर पहले से ही एक मेज लगवा दी है।
तुम्हें हो क्या गया है? एक बार सेवा का मौका दीजिए, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यह मास्टर क्यों कौन है? गिनीज पॉल नॉट गोल्ड। अंदर आइए ना। उसे देखो, बंदर की आत्मा गई इसमें। क्वान अंदर आ जाओ, चिंता मत करो, बस बंदर की आत्मा है। उसे यहां से भगाने के लिए तुम जो कर सकते हो करो। जो भी इस बंदर को यहां से भगाएगा 3 सोने के सिक्के इनाम पाएगा। इनाम चाहिए तो ये पकड़ो। अरे कहाँ गया? मुझे एक मिला। मिला क्या तुम्हें? आज तो हमारी किस्मत ही चमक गई यार। अब यही हाल है। ये कैसा सर्कस चल रहा है यहाँ? अरे सर उसे देखो तो, कैसे गुलाटी। अरे यहाँ कोई सर्कस नहीं चल रहा। सुनो, दूर दूर से विदेशी यहाँ आते हैं, अच्छा होगा हम चौकन्ने रहे। अरे करने को कुछ नहीं, बस खाली पीली दिमाग खाने आ जाते हैं। गलत जगह पर अपनी ताकत दिखाने का क्या फायदा? होशियार रहो, कहीं इसको हमेशा पागलपन के दौरे ना पड़ने लगे। इसे काढ़ा पिलाओ आमले के खट्टे रस का, जल्दी होश में आ जाएगा। ठीक है सर, आपका शुक्रिया। अरे कुछ नहीं हुआ है, सब लोग चलो अंदर, चलो जल्दी अपनी सराय में चलो, चलो ना, जाओ अंदर जाओ, चलो जल्दी अंदर चलो। क्या कर रही हो यहाँ? आज मजा आ गया, सच में आज बहुत अच्छा दिन है। वैसे स्टेज के पास ही बैठो, मैं देखना इन पर जादू करूँगा। ए, ये तुमको पता है मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, फिर भी। ए, अपने काम से मतलब रखो, मिशन सिर्फ मेरी है, जाओ किसी और पर जादू करो। तुम बड़े मतलबी इंसान हो। ए, ये टेबल हमारे नाम से बुक है, समझे तुम लोग, इसलिए अपनी दुकान कहीं और लेकर जाओ। तुम साबित कर सकते हो कि टेबल तुमने बुक की है? जरा सुनो, यहां पहले आओ और पहले पाओ चलता है। देखो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, होश में आ जाओ। अबे चल तू, पता नहीं कौन सा 30 मरखा बन के घूम रहा है। उसने ये कहा है अगर तुम हमसे पंगा लोगे तो याद करो उस बंदर वाले लड़के का क्या हुआ था। हाँ ठीक है, चाइनीज यूरोपियन भाई है, हम सभी यहाँ भाई है। तुम काफी लंबा सफर तय करके आए हो, हम तुम्हारा गर्म जोशी से स्वागत करेंगे, ठीक है ना? आइए आइए, आप सभी का स्वागत है, सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। अरे लड़कियों जल्दी यहाँ आओ, सबका ध्यान रखो, इन्हें खाली बैठाकर परेशान मत करो, चलो चलो जल्दी करो। अरे यार तुम इनसे डरते क्यों हो? तुम्हें छिपकली का टैटू मिला है तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुझे भी तो सिंह हाथी के साथ ट्विन वाइन का ताबीज मिला है, इसीलिए तुम्हें भी तो एक बार अपनी ताकत को आजमाना चाहिए कि नहीं? सच में? हाँ। วันนี้เรื่องงามยามดีขอเชิญพี่มาเมาสุราเอ๊ชามาเคลียร์ข้อนารีที่ไม้ป้องไฟหาเอ้ยอันนั้นพอหนุ่มทั้งสายเขตใดนั่งเงายุบจอกตอกเหล้า
คยลองลิ้มให้น้องได้ชิมจอกของพี่ได้ไหมชิมของพี่ได้ไหมเอ้ยจอกของพี่มันใหญ่จริงแม่น้องหญิงจะไหวเหรอเดี๋ยวหกขึ้นมาจะเลอะเทอะแล้วใครจะมาเช็ดให้เช็ดแล้วใครจะมาเช็ดให้เอ้าเช็ดแล้วใครจะมาเช็ดให้เอ๊ะพี่ช้างทางขวาส่งสายตาหาน้องรู้ไหมว่าพี่จองจะน้องเขินอายโอ้ยจะน้องเขินอายหันมาทางนี้แล้วพี่มีเรื่องจะบอกจะเรื่องจงเรื่องจอกของพี่ไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครอ้าวมึงโคตรอย่างนี้ก็สวยมึงอยากมีมวยใช่ไหมเนี่ยรู้ไหมว่ากูมีเบี้ยมีมากกว่ามึงถมไปเดี๋ยวๆพี่จ๋าใจเย็นๆกันก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนค่อยๆคุยกันก็ได้เอาเฮ้ยมึงนี่ไม่รู้ความคิดจะยามน้ำหน้าคงไม่รู้สิท่าว่ากูนั้นเป็นใครมึงจะใหญ่มาจากไหนอ่ะอย่ามาทำแกงท่ามามึงเข้ามามาลุยกันเลยก็ได้เอ้ยอ่ะจะช้าอยู่ใหญ่ลุยอรเรโกรุกจาวรุกจาวรุกจาวยะจากะลัดไอ้กันเนี่ยเคลียร์ไม่ใช่สับลูกชานตัวจาวอัพนี่จักรปะแบดจาวอัพนี่จักรปะแบดโอ้ยฮะโปรแกรมจัลราแฮคุชิเซมาเซโลอรเรक्या कर रहे हो जाओ बैठो हां हां बैठो 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 तुम भी बैठो अरे ये नाचना गाना देखना है ना तो बैठ जाओ लड़कियों चालू करो हे रियो सीधे राजधानी क्यों नहीं गए जल्दी हम क्राई नोई गेट पर पहुंच जाएंगे जरा वो रस्सी देना मुझे तुम बैंक खुन फ्रोम में क्यों रुके ऐसा ही है ना तुमने जैसा कहा था ना उससे भी कहीं ज्यादा मैं दिल छिपकली टैटू मंत्र से जादू करूंगा ये किसने फेंका हम पर तेरी तो मैं चाहता तो ये तुम्हारे ऊपर नहीं फेंकता ये मैं तब करता हूं जब कोई अपनी औकात भूल जाए ए तू जानता है हम कौन है सिम से उलझना भारी पड़ेगा ए ऐसे मत बोल जरूरत नहीं है क्यों डर गया क्या किस बात का डर हम कोई झगड़ा नहीं करना चाहते गिनीज और पॉल की बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें ये ड्रिंक देना चाहता हूं अब तुम दोनों को मजा आया हाँ मजा तो आया अब तू भी मजा ले अरे लड़ो मत अरे क्या कर रहे हो तुम लोग अरे लड़ो मत अरे यार ये लोग तो हमें मार रहे बाप रे अरे कुछ कर यार हमें कपड़ों की तरह धो रहे कुछ तो कर कुछ तो कर ठीक है ये मैं ही कर देता हूँ यार जल्दी कर
अब मैं इन लोगों को सिखाना मजा चकाता हूँ। अरे हमारी चीजें मत तोड़ो, ये लड़ने की जगह नहीं है, कोई रोको उन्हें। अरे कहाँ जा रहे हो, इस तरफ आओ। रुको। हे, चलो वापस मंदिर चलते हैं, वहां हमारे साथ और भी लोग होंगे। किन लोगों की बात कर रहे हो, वहां तो केवल दो लोग ही हैं। बेवकूफ, मैं डरा रहा हूं उन्हें। हाँ और क्या, वहां हमारी एक बहुत बड़ी सेना है, ये कुछ नहीं है उनके आगे। हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। अब क्या करें, चलो कूदो। जरा देखो इनको कैसे भाग रहे दोनों। चलो सब मेरे पीछे आओ। कौन है यहाँ? Hey! तुम लोग मेरी नाव पे क्यों चढ़े हो? रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? Hey! रुक जाओ, बताओ मेरी नाव पे क्यों चढ़े तुम लोग? Hey! एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। Hey! हम जल्दी में हैं। अरे छोड़ो मुझे, जाना होगा, छोड़ दो हमें। रुक जाओ, ये रहे वो लोग। तुम बीच में मत पड़ो, दोनों चोरों को हमारे हवाले कर दो। चोर? इन्हें पकड़वाना मेरा काम नहीं है, तुम लोग खुद ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें हमें चोर नजर आते हैं? चोर होते तो हम ऐसे निहत्ते नहीं घूम रहे होते। अरे सुनिए, तुमने कहा तुम इन्हें नहीं जानते। अभी थोड़ी देर पहले तक नहीं, लेकिन अब जानता हूं, समझ गए? क्या समझते हो खुद को? इसलिए तो अकेला ही सबका बैंड बजा दिया। यार गोली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, पक्का उसे ताबीज की शक्ति मिली होगी। चलो सेंसेई, आपका तो जवाब नहीं है। आपके साथ में आपके दोस्त की भी
जितनी तारीफ करूं कम है। भाई कुछ अच्छी चीजें हमें भी दे सकते हो क्या आप? क्या कहा अच्छी चीजें? हाँ तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो, तुमने तो आज मुझे मरवा ही दिया होता। अरे खतरा तो उन पर मंडरा रहा था, आप पर नहीं, आप अकेले होकर उनसे ज्यादा हो। हमें आपका नाम नहीं पता, क्या नाम बता सकते हैं? मैं रियो हूँ। लियो? लियो का बोला, रियो हूँ मैं। एक बात बताओ, आप लोग कहाँ से आए हो? गुरुजी ने अजनबियों से बात करने के लिए मना किया था। चुप हो जाओ, मुझे परेशान मत करो, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अब कोई सवाल नहीं करेंगे, ठीक है, आपको जैसा सही लगे वैसे आराम कीजिए। हम क्या करें लॉन्ग? मुझे जहां तक लगता है ये कोई खास इंसान है। सेम, किस्मत ने उसे हमारा सेंसेई बनने के लिए हमारे पास भेजा है। हमारे रियो को छोड़ दो, वो भी बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है। उसे छोड़ दो, भले ही मेरी जान ले लो। तुमने जो वादा किया उसे मैं पूरा करूंगा, उसे यहां से ले जाओ। तो क्या हम सीधे राजधानी जाने वाले हैं? एक मिनट सोचने दो मुझे, मैं खून फ्रॉम मार्केट के पास जापानी गांव जाना चाहता हूं, शायद मुझे वहां कोई सुराग मिल जाए। वो लड़की ही ना, तुम्हें अक्ल नहीं आएगी। सेंसी मालिक, हमें अपना शिष्य बना लो ना। हाँ हमें अपना शिष्य बना लो। तुम लोग अभी यहां से गए नहीं? कृपया करके हमें शिष्य बना लीजिए और हमें अच्छी चीजें दे। तुम्हें अच्छी चीजें चाहिए क्या? आपको तो पता ही है हमारे पीछे कितने गुंडे पड़े हैं, इसलिए हमें किसी तरह की ताबीज चाहिए आपसे। सुनिए, आप जो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है, आप बस हमें बचा लीजिए। मदद करो, हमारी मदद करो। अगर आप हमें ताबीज देते हैं तो आप जो चाहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। आपके नौकर बनकर रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे ओ इंसोई। हाँ दीदी। ये पर्सिया का इत्र है। एक पर्सियन ने देकर कहा था कि इसकी खुशबू पूरा दिन चलती है, और मैं देखना चाहती हूँ कि जैसा बोला था ये इत्र वैसा है या नहीं। बहुत जल्दी पता चल जाएगा। शुक्रिया दीदी। तुम लोग बताओगी कि ये इत्र बढ़िया है या नहीं। क्या तुमने अभी तक ऐसा किया? क्या किया? बेड पर समझ रही हो ना, बिस्तर पर मैं क्या समझू? हे भगवान, कितनी भोली हो तुम। अब क्या हुआ तुम्हें? खुजली हो रही है। तुम्हें इत्र से एलर्जी है क्या? चलो मैं कुछ मदद कर देती हूँ। हाँ अब सही लग रहा है। ठीक है, अरे वाह,
जगह पर नहीं। ठीक है, मजा बस ले रही थी। सुधर जाओ तुम। सुधर जाओ। बस सुधर जाऊंगी। हे लो, खून। हे लो, कौन था? चुप जाओ। क्या हुआ? कोई होगा मक्कार, मैं उनकी क्लास लूंगी। लो पाउडर। मुझे भी चाहिए। ये चीजें बहुत खास थी। अरे वो मंत्र क्या है? कैसा मंत्र? वही मंत्र जिसे हम इन पर इस्तेमाल करेंगे। अरे यार, मैं तो वो भूल ही गया। मेरे साथ दोहराओ। ओम ईम क्लीम, ओम ईम क्लीम, ओम ईम क्लीम, ओम ईम क्लीम। फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा। ओम सिद्धि सिद्धि स्वाहा, ओम सिद्धि सिद्धि स्वाहा। अरे जरा हटो तो। बचाओ, बचाओ! अरे ये कमीने लोग मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोई जाकर उन्हें पकड़ो, पकड़ो उन्हें, जल्दी पकड़ो। अच्छा अभी देख रहा हूँ। रुक जा। अरे कहाँ भागता है? रुक जा। अरे बैंक खोल रहा है। मुझे हांत्रा शिविर में 10 साल पहले हुए जापानी नरसंहार के बारे में सब कुछ जानना है। तुम मुझे एक अनचाही घटना की याद दिला रहे हो। सेंसेई, मास्टर जी, मंत्र का प्रयोग किया गया। लड़कियों को अपने वश में करके आ रहे हो ना? लड़कियों को मारो गोली। पहला ही टारगेट गलत लग गया। सिम ने देखा ही नहीं और मैडम पर ही जादू कर दिया। हाँ, मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएंगे? वो मैजिक पाउडर सीधा उसके मुंह पर गया था। डरने की कोई बात नहीं है, कम से कम पता तो चलेगा कि उस पर जादू कैसे काम करेगा। पक्का तुम्हारी जवानी के लेने के देने पड़ जाएंगे। काश मेरे हाथों उस लड़की पर जादू हो जाता तो बात ही अलग होती। प्लीज सेंसेई, नहीं पता कैसे, लेकिन आप हमेशा मेरी मदद करते ही हो, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सा मैजिक पाउडर दीजिए ताकि मैं रात को नाइट क्लब जाएंगे और उस खूबसूरत लड़की पर जादू करेंगे। क्या मास्टर जी आप हम पे भी एहसान करेंगे? नहीं, तुम्हारी किस्मत में वो मैडम ही बची है। बस बंद करो यार, मुझे साइंस हुई चाहिए, समझे तुम? पहले अपना तरीका सुधार। सेम सुई। हाँ जी सेंसेई, क्या उस गाने वाली का नाम साई सुई है? हाँ मास्टर, यही नाम है। साई साई बोल लो या सोई, लेकिन बहुत खूबसूरत है वो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चलकर खुद देख लो, यकीन नहीं हो रहा तो चलिए हमारे साथ। हाँ। आज शाम को हम आपको लेकर चलेंगे। चलो सिम, चलते हैं। वू!
है ना? हे भगवान, सोई क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से पानी में क्यों भीग रही हो? मैं पानी के अंदर फंस गई थी, लेकिन इसने मुझे बचा लिया। जल्दी बाहर निकलो, अगर ऐसे ही खड़ी रही तो देखना बहुत जल्द बीमार पड़ जाओगी। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आओ जल्दी। अरे सोच कह रहे हो, आओ चलो बैठते हैं। आइए यहां बैठिए। तू मुंह छुपा के क्यों बैठा है? ए, मुझे डिस्टर्ब मत कर। साई सुई कहां है? थोड़ा सब्र तो करिए। अरे इन, आप मुझसे मिलना चाहते थे? आज रात साईं सोई जी कहां पर हैं? माफ करना जरा, आज साईं सोई छुट्टी पर हैं, या शायद हमेशा के लिए, किसे पता। आओ क्या चल रहा है यहाँ पर इन? अरे ओ इन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी साई सोई वीआईपी मेहमानों के साथ बिजी है। वीआईपी मेहमान? वो एकदम प्राइवेट जगह होती है, वहाँ किसी और को जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं होती। अब तुम लोगों की देखभाल मैं खुद करूंगी। बारटेंडर, ड्रिंक लाओ ना। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? सेंसेई, सेंसेई। नाम क्या है तुम्हारा? मालूम। तुम्हारा नहीं, इसका क्या है? चलो इन्हें अपना नाम बताओ जरा। ओ मेरे सिम भाई। ओ, सिम नाम है, अच्छा नाम है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं चला, तुम बात करते रहो। मालूम, मेरे साथ रुको ना, मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगी। ये सेंसी का बच्चा कहाँ गया? बोलो कितना। तुम किस बारे में बात कर रही हो? अरे मेरे साथ रोमांस करो और ये ले लो, सब्र नहीं हो रहा। तुम होश में तो हो? अरे मैं होश में ही हूँ। अरे मैडम क्यों, पैसे दो मेरे। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं ये? अरे रुको इसे, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों ले रहे हो मेरे पैसे? Huh?
मैंने तुम्हें मना किया था रियो, कि इन चपड़ गंजुओं की संगति में बिल्कुल मत रहो तुम, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। इन सब से बाहर निकलो, कहीं देर ना हो जाए। मुझे तो लगता है वो तुम्हें भूल गई होगी। क्या तुम मुझे भूल गई हो? को लेने आऊंगी। ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आना। ठीक है। योद, सारा सामान लेकर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? रहते हो क्या? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं गुरुजी किंग के साथ यहाँ हूँ। ये मंडप ठीक कर रहा था और मैं यहाँ अपनी मर्जी से काम करता हूँ। माफ करना बेटी।
क्या हो रहा है? बचाओ इसे, गिर गई। हे भगवान। सोई। रियो, ये तुम्हारा रुमाल है, इसे रख लो। कोई बात नहीं, इसे अपने पास रखो। मैंने इसे तुम्हें दिया था और अब इसे वापस नहीं चाहती। मुझे अपने माता पिता को लेने के लिए जाना है। रुक जाओ। मैं इसे संभाल के रखूंगा। अच्छी बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। मैं चाहता हूं कि इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। जरूर। इसे मेरा दिल समझना। ठीक है। हमेशा सुरक्षित रहो, हमेशा स्वस्थ रहो। हमारे दोबारा मिलने तक यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसे मेरा दिल समझना, मैंने तुम्हें इसे दिया है। इस प्रस्ताव से तुम सहमत हो? अगर सहमत हो तो हां बोल दो। और अगर नहीं हो तो ना बोल देना। आपके नाइट क्लब ने काफी टाइम से टैक्स अदा नहीं किया है। अगर हम इसकी देखरेख नहीं करते तो तुम्हें अंदाजा है कि इसका क्या होता? इस जगह पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। वो तो बस गाने वाली है। मेरा मतलब है, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। वो बेचने खरीदने वाली प्रोडक्ट नहीं है। मैं उसे नहीं बेच सकती। भाई कौन उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, क्यों खामखा उन्हें इनकार कर रही हो? लेकिन अगर सोई इसके लिए राजी नहीं है तो बताओ क्या करूं? उसमें क्या, उसको जबरदस्ती भेज दो। चुप रहो तुम, कितना लगता है ये उतना आसान नहीं है। पता नहीं तुम लोगों को क्या है। जल्दी भेजो उसे। ओए, मुझसे ना ही मांगो तो अच्छा है। मुझसे तुम ना ही मांगो तो अच्छा है। यहाँ सबसे होशियार आप हैं। इस नाइट क्लब में ढेर सारी लड़कियां हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मर्दों की सेवा के लिए लड़कियों को कैसे मनाया जाए आप जानती हैं। हे सोई, मैं हूं। क्या तुम हमेशा यहां आती रहती हो? जब मेरे माता पिता जिंदा थे तब जब भी हम यहां आते थे
तो मेरी माँ हमेशा इस मंदिर में आती थी। तुम्हारे माता पिता को क्या हुआ था? कई महीनों पहले एक दुर्घटना में उनकी जान चली गई। सुनकर बहुत दुख हुआ। मैडम मेरे पिताजी के रिश्तेदार हैं। जब उन्हें माता पिता के बारे में पता चला तो मुझे अपने साथ रहने को कहा। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मुझे गाना अच्छा आता है, तो उनका एहसान चुकाने के लिए मैं क्लब में गायिका बन गई। मैं चाहता हूं कि तुम वहां पे काम ना करो, क्योंकि मुझे डर है कि किसी दिन। कोई बात नहीं, कहीं मेरा दिल ना बदल जाए इस बात का। तुम्हारा हाथी दांत हार अभी भी मेरे पास है, इसका मतलब है कि मैं अभी बदली नहीं हूं। मैं बिल्कुल वैसी ही हूं जैसी पहले थी, मेरा भरोसा करो। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम मुझ पे भरोसा करती हो या नहीं, लेकिन हर आदमी तुम्हें पाना चाहता है। मैं तुम्हें कल रात लेने आऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं ईश्वर की कसम खाता हूं कि जिंदगी भर सुई की रक्षा करूंगा और हमेशा उसे खुश रखूंगा। बस सुई को मुझ पे भरोसा रखना होगा। मुझे पूरा भरोसा है। मुझे अब जाना होगा। सुई, रात में मुझसे मिलने के लिए आओगी ना? चलो जल्दी आओ। चलो जल्दी। तुम होश में तो हो? तुमने गलत फैसला किया। जो तुम सुई को बाकी आदमियों से बचाने के लिए मंदिर लेकर गए, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम उस पर कभी भरोसा नहीं करते। वैसे जो भी हो, मुझे इसमें नहीं पड़ना।
तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों लगती हैं? क्या तुम्हें मेरा साथ होना अच्छा नहीं लगता? मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। तुम्हारी समस्या क्या है? आज तक किसी ने मुझे ठुकराया नहीं, तमीज से पेश आइए। औरों की तरह मत समझिए मुझे आप। जानती होती तो ऐसा नहीं करती। छोड़िए। प्रियो। कहीं नहीं भागूंगी, उसे जाने दीजिए। निकल जाओ यहां से। यहां मत रुको, जाओ। आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी। चोर होते तो हम ऐसे निहत्ते नहीं घूम रहे होते। ओहो। सोई, सोई। मास्टर, मुझे छोड़ो। मास्टर, हाँ। मास्टर पीछे चलिए। मास्टर चलिए, मुझे उसके पास जाना है। छोड़ो मुझे। सोई चलिए। अरे मास्टर, चलो मुझे, मुझे उससे लड़ना है। सोई छोड़ दे मुझे। सेंसी, रुक जाओ। रियो, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे सोई के पास जाना है। सेंसी, मास्टर, मैं भी तुम्हारे साथ आता, लेकिन ये बेकार होगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम इसमें मत पड़ो। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम कुछ नहीं समझते, तुम्हें पता ही ये प्यार नहीं है, बस ये जुनून है। चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है रियो, गलती मत करो। सेंसी जी, कुछ मत करना। भले ही मुझे प्यार नहीं हुआ, लेकिन मैं आपकी तरफ हूँ। मुझे समझना ही नहीं है, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। सर जी, ऐसा मत करिए।
हमने पहले ही अपना मन बना लिया है, हम आपका हिसाब कर देंगे। अगर गुरुजी का आदेश नहीं होता तो मैं समय बर्बाद नहीं करता। तो जाके उन्हें बता दो, लौट जाओ वापस। ये किस गुरुजी की बात कर रहे हैं? तो मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? ये वही गुरुजी की बात कर रहे हैं जिन्होंने छिपकली तवीज बनाया होगा। अब मैं समझ गया। अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो तुम मरे आदमी के समान हो। तुम उस लड़की को बहुत महत्व दे रहे हो, यहां तक कि गुरुजी को भी कुछ नहीं समझा। गुरुजी, मैंने उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश की लेकिन वो उस लड़की के पीछे पूरी तरह पागल हो गया है। आपको उससे बात करनी चाहिए। अगर अभी मैं वहां पर होता तो शायद मैं उसे चांद से मार देता। अब आप ही बताइए कि आखिर मेरे लिए क्या करना सही होगा। लेकिन वो कभी सतह पर नहीं खिल सकती, जैसे कमल जिसकी जड़ें नदी के तल तक जाती हैं। अगर वो गहरे पापों में लिप्त है तो उसे फायदा और नुकसान नजर नहीं आता। यहां तक कि बुद्ध जी ने भी कहा है कि वो ऐसों को उपदेश देने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। सेंसी, मुझे जरूरी खबर मिली है, जल्दी नाइट क्लब चलो। सेंसी, सेंसी। क्या क्या करोगे? और तू, वो जा रही है, उसे जाने दो, उसी में उसकी भलाई है। मास्टर, तुम कहां थे? आप कहां थे तब से? कुछ भी करना लेकिन जनरल के घर मत घुसना, उसके पहरेदार जरूर तुम्हें मार डालेंगे, समझ रहे हो ना? जनरल कोचाबान के घर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। क्या आपने कोचाबान का नाम लिया? हाँ। लड़कियों, वापस अंदर चलो जल्दी, हमें मेहमानों का ख्याल रखना है। अच्छा है सोई की शादी अमीर से हुई है। मास्टर, इधर। उसने मुझे आपको देने के लिए कुछ कहा था। वो बोली थी कि ये रुमाल आपका और हाथी दांत का हार मेरा है। उसने बस इतना ही कहा मुझसे। तुम मुझे एक अनचाही घटना की याद दिला रहे हो। मेरे पिताजी कौन थे और उन्हें किसने मारा? तुम्हारे पिता फ्राय भीमुख के वंशज हैं, जिन्होंने खुद को राजा सोंगथम को समर्पित कर दिया है। जब राजा प्रसाद थोंग गद्दी पर बैठे तो उन्होंने जनरल कोचबन को सभी यमदा को खत्म करने का आदेश दिया, क्योंकि यमदा उनके नए शासन के लिए खतरा बन गए थे। क्या मेरी मां अभी भी जिंदा है? मैं ये बात यकीन के साथ
नहीं कह सकता। उन्हें जनरल कोचाबिन के यहां बंदी बनाए जाने के बाद मैंने कभी नहीं देखा। मुझे आज तक कभी किसी के लिए इतना जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। सोई, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मेरे साथ जिंदगी भर का सफर है। अगर मेरा यहां होना तय है तो मेरी एक बात सुन लीजिए। बात यह है कि मैं किसी और से प्यार करती हूं। लेकिन मैंने अपना दिल तुम्हारे नाम कर दिया है। मास्टर, मास्टर, सेंसी, सेंसी, मास्टर, सेंसी, हम यहां मदद के लिए आए हैं। मास्टर रुक जाइए, वैसे भी हम यहां पर हैं। तुम दोनों यहीं पे रुकोगे, मैं अकेला जाऊंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? कम से कम तुम साई सोई के बारे में तो सोचते। वो मुसीबत में पड़ने वाली है, समझ में नहीं आता तुम्हें? कैसे इंसान हो तुम? कैसे तुम उसे भूल सकते हो? छोड़ो मुझे। सेंसी, आप उसे बचाओ, हम इसे संभालते हैं। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सोई, मुझसे दूर मत जाओ। सोई, आई लव यू। तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे दूर मत जाओ सोई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत। बचाओ।
कहाँ जा रही हो सोई? सोई सुनो, सोई। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। अगर तुम्हारी ये तलवार मेरे बेटे को जरा सी भी खरोंच पहुंचाती है तो यहां से दूर चले जाओ, तुरंत ही ये जगह छोड़ दो। तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कहा ना यहां से चले जाओ। तो बताओ जवान अजनबी कौन है, या फिर पहले मुझे तुम पर सितम करना पड़ेगा? तुम कुछ बोलोगे या हमें कुछ करना पड़ेगा? ए छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो? उस अजनबी ने आखिर किससे बात की थी? तुमने जो किया उसके लिए शर्म करो। राजा नाराई जापानियों को माफ करके फिर से एक साथ रहने दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो। अब बोलो भी, मुंह क्यों बंद है? अब तक तो बहुत बोल रहे थे ना, चलो जल्दी बताओ। अगर ऐसे नहीं बोल रहा है तो इसकी उंगलियां काट दो।
तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे अपनी जिंदगी में अपना कोई नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूं। मुझे डर है कि तुम किसी और की ना हो जाओ। मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूं। प्रेम के मंत्र ने लोगों को आकर्षित किया है, लेकिन सच्चा प्यार नहीं दिया। क्या तुम ये जानती हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जब एक औरत आदमी से प्यार करती है तो अगर आदमी अंधा नहीं है तो उसे महसूस कर सकता है। समझ में आया? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सच है। हम छुप जाइए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो। उन्हें मुझे वापस ले जाने दो। क्वान को हर हाल में मैं चाहिए, और हाँ, उसकी फौज से लड़ने के बारे में सोचना भी मत। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए मुझे जाने दो। नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैं इसीलिए तुम मुझसे प्यार जताने से डर रही थी। मैं उन्हें मार डालूंगा। रुक जाओ, ये नामुमकिन है। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तुम तो आजाद हो जाओगी ना। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। रियो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तुमने खुद को अंधेरे में रखा है। सोई, सोई, सोई। क्वान, इसने मेरा अपहरण किया लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम मुझे यहां पर बचाने आए हो ना? मुझे वापस ले चलो, मैं ये जगह छोड़ना चाहती हूं। क्या तुम सच कह रही हो सोई? बंद करो, मुझे तुमसे प्यार नहीं।
चलो। मन की शांति का मतलब है कि वो एकाग्र हो सकता है। शरीर में मन का वास है, मन से पूरा शरीर चलता है, वरना आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। भले ही मैं मर जाऊं लेकिन तुम तो आजाद हो जाओगी ना। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मन की शांति का मतलब है वो एकाग्र हो सकता है। भाई कौन, क्या मैं इस पर कोड़े बरसाऊं? अगर तुम मुझे हरा पाए तो तुम इसे ले जा सकते हो।
मुझे तुमने माफ कर दिया क्या? कुछ मत बोलो, क्योंकि जहां पर तुम हो मैं हमेशा साथ रहूंगा। वो है रावण भाला चाल, उसका मरना तो अब तय है। पिताजी, क्या वो पूरी लंका पर हनुमान की चाल है? तुम जैसे नौजवान को जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। चले जाओ यहां से, उनसे लड़ने के बारे में सोचना भी मत। सुई, इसने मेरा अपहरण किया लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम मुझे यहां बचाने आए हो ना, मुझे ले चलो, मैं ये जगह छोड़ना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। लड़ते रहने में बस जिंदगी बर्बाद करना है।
उस नहर के उस पार हम फिर पहुंच जाएंगे, समझ गए? रुक जाओ, एक हाथी इस तरफ आ रहा है, रुक जाओ। जाओ, इस राज्य में कोई अंधा रक्त मौजूद नहीं रहेगा, तुम बस आखिरी हो। मैं राजा प्रसाद थोंग को दी गई अपनी शपथ को पूरा करूंगा। मुझे तुम्हारा अंत करना है, वरना यह मेरा अधूरा काम समझा जाएगा। आज तुम भी अपने पिता की तरह एक समुराई के रूप में मरोगे। ये हाथी मार्शल आर्ट, ये तुमने कहां से सीखा? आदरणीय गुरुजी किंग ने सिखाया था, क्योंकि वो जानते थे किसी ना किसी दिन तुम मेरी जान लेने आओगे। Ah!
रुक जाओ। तो फिर तुम क्या कहना चाहोगे? अगर वो अयोध्या में नहीं रह सकता, गुरुजी, वो यहां आखिरी यंदा को उसकी मातृभूमि में वापस ले जाने के लिए आया है। तो फिर तुम क्या कहोगे? अगर वो अयोध्या में नहीं रह सकता है तो तुम उसे उसकी मातृभूमि वापस जाने क्यों नहीं देते? मेरा उसे पालने का मतलब यह है कि मैं यंदा रक्त रेखा की रक्षा करना चाहता हूं। तो अब मेरे इरादे जानने के बाद क्या अभी भी तुम उसकी जान लेना चाहते हो? मैंने पूर्व राजा प्रसाद थोंग को शपथ दी थी। मैं जानता हूं, लेकिन वर्तमान में राजा नारायण ने पहले ही जापानी मुक्ति दे दी थी, तो तुम फिर भी महामहिम से असहमत हो? अतीत में ऐसा ही संघर्ष पूर्व राजा के संदेह का कारण बना था। वो जानते थे कि यमदा परिवार राजा सोंगथम से पहले का वफादार था। यमदा उनके खिलाफ तख्ता पलट कर सकती है, इसलिए वो उनके जीवन के साथ वफादारी की याचना करते हैं। तुम्हारे साथ वफादारी की, अब बताओ यमदा ने क्या कुछ गलत किया? मैंने जो शपथ ली थी तो क्या मेरे लिए वो शर्म की बात नहीं होगी? तो फिर तुम वो शपथ मुझे दे दो। अगर तुम अब भी गुरु के रूप में मेरा सम्मान करते हो तो यमदा के प्रति अपने इस प्रतिशोध का भाव खत्म कर दो। हे प्रभु, मेरे रियो को जाने दीजिए, उसका योशी से कोई संबंध नहीं है। ये मेरी आखिरी इच्छा है और कुछ नहीं। मेरी जिंदगी आपके फैसले पर निर्भर है प्रभु। मेरे बेटे को जाने दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। Oh, my God.
जाओ यहां से चले जाओ, और फिर कभी भी दोबारा मुझे नजर मत आना। रियो, मैं बहुत खुश हूं कि आप हमारे साथ हैं। मुझे कभी मत भूलिएगा। कोई भी माँ कुछ भी हो जाए, पर अपने बेटे को वो कभी नहीं भूल सकती। बेटा रियो, इनकी अच्छे से देखभाल करना। तुम्हारा मिशन पूरा हुआ टोंग, अब तुम जा सकते हो। मैं और कहां जा सकता हूं, रियो तो पहले ही जा चुका है। याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम रियो को शादी करते हुए देखना चाहते हो, अब समय आ गया है। मजा आ जाएगा, आज ऐसी मौसम में बारिश हो जाए तो ओ मजा आ जाएगा, बारिश हो जाए तो मजा आएगा, हाय बारिश हो जाए तो मजा आ जाएगा, मजा मजा आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश मजा आ जाएगा। तो तुमने मेरी बात नहीं मानी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रही हो। जब मैं हार गया तो मुझे उसी दिन पता चल गया कि तुम मुझे भूल नहीं सकती और तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। पर
पर तुमने मुझ पर प्यार का जादू चलाने की कोशिश की। मुझे इस बात का डर था कि प्यार होने में ज्यादा वक्त ना लग जाए। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? उस रुमाल में मैंने भी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं सही कर रही हूं या नहीं। जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैंने सोचा काश ये प्रेम मंत्र की वजह से ना हो। ये तुम्हारा प्रेम मंत्र थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली है। मेरी प्यारी सुई, मैं तुम दोनों की वफादारी की तारीफ करता हूँ। तुम दोनों ने हमेशा मेरा साथ दिया। बिल्कुल सही कहा सेंसी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से हैं, लेकिन हम भाई भाई हैं। हमें खुशी है इन कोई बात नहीं। जब मैं गया था ना तब तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। बाद में तुम भी यहीं पर आ जाना। मुझे उम्मीद है तुम्हारी भी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। काश मेरी भी किसी अच्छे लड़के से शादी होती। उसके लिए हम दोनों हैं ना। तुम्हें कभी अक्ल नहीं आएगी। प्रेम प्यार का जादू करना बंद करो। ใจรักกันจากวันนี้ตลอดไป
ลาหยุดนิ่งเสกสกุณาหยุดบินเสกให้สิ่งทบหยุดวิ่งเสกให้มีเพียงสองเราไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนได้อยู่กับเธอเรื่อยไปตราบจนอายุสงไขเสกให้เธอเปลี่ยนพฤติใจแล้วมาตัวกลมรักโอมหารรวยบ่มนสิเธอให้เธอมาลงฉันจะทำฉันไวเพราะฉันไม่ใช่คนที่มีมนนั้นแค่คนธรรมดาที่อยากให้เธอมองตาแล้วสนฉันพาไปถึงกระนั้นนะพายังก่อนที่ว่าก่อนให้ผ่านราตรีจนถึงรุ่งสางแล้วแสงส่องทองทั่วอัมพรฉันยังคงเฝ้ารอเธอหัวใจยังมีประตูหรือลงกรอนหัวใจของเธอ